हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप गिरधर। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सेवेंथ। एज यू नो आवर एट्थ चैप्टर इज रनिंग। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की क्या स्टेटमेंट है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 32 and 16। तो देखो इसके अंदर थर्ड प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। फर्स्ट पार्ट में हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 32 and 16। तो 32, 16 एंड एक्स आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ इसी वर्ड को आपने थोड़ा सा ध्यान देखना है कि जो 32 और 16 का हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो हमने उसको क्या लेट कर लिया, x। तो 32, 16 एंड x आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आपने याद रखना है कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर जो फर्स्ट है उसके अपॉन में हम सेकंड को करेंगे और फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर 16 मतलब सेकंड के अपॉन में थर्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये करना है किसके अंदर, कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर। क्या होगा कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में, फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल होगा सेकंड अपॉन में थर्ड। आपको ये बात याद रखनी है। तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 32 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, x से, और 16 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 32। तो 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 2 से 16 को कट करेंगे 8। तो x किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 32 and 16 इज 8। तो इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम यहीं से ही कर देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 and 1/6 and 5। तो यहाँ 4 and 1/6, 5 and x आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट क्या है, 4 and 1/6 अपॉन में सेकंड इक्वल होगा सेकंड अपॉन में थर्ड। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 and 1/6 मल्टीप्लाई एक्स इजिकल टू 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 6 4 जा 24 प्लस 125 अपॉन 6 मल्टीप्लाई विद एक्स इजिकल टू 25। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों कट। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6। तो इस तरह से जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, 4 and 1/6 एंड 5 का वो होगा 6। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमें करना है। तो थर्ड पार्ट के अंदर हम देखिए आपको क्या क्या गिवन है। यहाँ एक तो 4.2 का और दूसरा 0.7 का हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो उसको हमने लेट कर लिया, x है। तो जैसा कि हमने पहले दो पार्ट किए वैसे ही हम यहाँ करेंगे, 4.2, 0.7 एंड x आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन है तो क्या करोगे, फर्स्ट अपॉन में सेकंड इक्वल होगा सेकंड अपॉन में थर्ड। तो देखो इसके डेसिमल हटाएंगे तो 42 के अपॉन 10 आ जाएगा और 7 का जो अपॉन 10 है वो ऊपर चला जाएगा, ये रूल आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7 upon 10 x। तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 जा 42। तो 6 किसके इक्वल आ गया, 7 upon 10 upon x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 6 की मल्टीप्लाई 10x से हो जाएगी और किसके इक्वल है, 7 के। तो ये हो जाएगा 60x = 7। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 60 अपॉन में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई है, 7 upon 60। तो इस तरह से हमने इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है 4.2 एंड 0.7 का वो किसके इक्वल फाइंड कर लिया, 7 upon 60 का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसके अंदर हमें क्या शो करना है, 6, 36 and 216 आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि क्या ये तीनों कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन हैं या नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे फर्स्ट के अपॉन में सेकंड और सेकंड के अपॉन में यदि हम थर्ड करेंगे तो वो जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर लेते हैं। तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 upon 6 एंड
इसके बाद सेकेंड अपॉन में थर्ड, तो इसको कट करते हैं। तो पहले सिक्स की टेबल पे कट करेंगे, सिक्स अपॉन में यहाँ देखिए क्या होगा, सिक्स थ्री जाइड 36, फिर सिक्स से कट करेंगे तो वन अपॉन सिक्स। तो दोनों केसेस के अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट अपॉन में सेकेंड और सेकेंड अपॉन में हमने क्या किया है थर्ड, तो दोनों केसेस के अंदर आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं येस सिक्स 36 एंड 216 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये चेक करना होता है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो 7th क्वेश्चन के अंदर हमें यूनिटरी मेथड का ही यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए क्या गिवन है, इफ़ 25 पर्संस कैन डिग ए ट्रेंच 36 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेंच एक खाई है जो कि 36 मीटर गहरी है, लंबी है, इसको हमें खोदना है। कितने पर्संस ने खोदा है, 25 पर्संस में इन वन डे एक दिन के अंदर। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड टू डिग ए ट्रेंच 108 मीटर लॉन्ग इन वन डे। तो देखो 108 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को खोदने में कितने मतलब व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो आप देख सकते हो ज़्यादा लंबी खोदनी है गहरी खोदनी है तो ज़्यादा पर्संस यूज होंगे, तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ पर्संस फाइंड करने हैं। तो इस स्टेटमेंट को के अकॉर्डिंग हम जो इसका सॉल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो ऐसे स्टार्ट करेंगे 36 मीटर लॉन्ग ट्रेंच डिग बाय पर्संस, कितने पर्संस ने इसको खोदा है 36 मीटर लॉन्ग को, 25 पर्संस ने। इसी तरह से 1 मीटर लॉन्ग ट्रेंच डिग बाय पर्संस, तो क्या करेंगे कम होगा तो डिवाइड करेंगे, तो 36 से डिवाइड कर देंगे, यहीं कट करना है कट होते हैं तो कर दो अदरवाइज एज इट इज छोड़ दो। अब देखिए 108 मीटर लॉन्ग ट्रेंच है, इसको नंबर ऑफ पर्संस कितने डिग करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से। तो अब ये देख सकते हो आप यहाँ 3 की टेबल पे ये कट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 25 3 75 पर्संस, तो जो रिक्वायर्ड पर्संस है वो कितने होंगे 75 पर्संस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8th, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8th, द लेबल ऑन ए फ्लेवर्ड मिल्क बोटल स्टेट्स दैट देयर इज 1.5 ग्राम ऑफ फैट इन 200 मिलीलीटर। तो देखो 200 मिलीलीटर मिल्क के अंदर कितना फैट कंटेंट्स है 1.5 ग्राम। इफ़ यू ड्रिंक 500 मिलीलीटर ऑफ दैट मिल्क हाउ मच फैट वुड यू बी गेटिंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यही लिख लेते हैं, फैट कंटेंट्स इन 200 मिलीलीटर मिल्क इज इक्वल टू 1.5 ग्राम, फैट कंटेंट्स इन 1 मिलीलीटर मिल्क, तो इसके अंदर कम होगा तो डिवाइड कर देंगे 1.5 को 200 से डिवाइड कर देंगे तो इतने ग्राम आ जाएगा। अब इसको डेसिमल हटाना है तो आप हटा सकते हो, तो जो डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने ग्राम हमारा क्या हो जाएगा फैट। तो इसी तरह से हमें ये बताना है 500 मिलीलीटर में कितना होगा, तो फैट कंटेन्स इन 500 मिलीलीटर मिल्क, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम 15/2000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से और यहाँ क्या आ जाएगा ग्राम, तो 20 से 20 कट हो चुकी हैं, 54 जा तो ये हो जाएगा 15/4 ग्राम। और इसको उस फॉर्म में लिखना हो तो आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेसिमल की फॉर्म में 4 3 12 3, फिर हमारा डेसिमल आ जाएगा 7 4 28 2 5 तो ये 20 तो 3.75 ग्राम। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8th कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th की क्या स्टेटमेंट है, रजत कैन टाइप 3200 वर्ड्स इन 1 आवर, 1 आवर्स में आपको पता ही है 60 मिनट्स होते हैं, हाउ मैनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 15 मिनट्स, तो आपको बताना है 15 मिनट्स में कितने वर्ड्स टाइप कर सकता है कौन, रजत। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स रजत कैन टाइप वर्ड्स, कितने वर्ड्स टाइप करता है 3200 वर्ड्स इन 1 आवर का मतलब 60 मिनट है, तो इन 1 मिनट ही कैन टाइप
वर्ड्स, तो वो एक मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर सकता है? 3200 को 60 से डिवाइड कर देंगे, अभी कट करना है तो अभी कट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 160 अपॉन 3 वर्ड्स, इतने वर्ड्स एक मिनट में हम वो क्या कर सकता है टाइप। तो इन 15 मिनट्स ही कैन टाइप वर्ड्स, ठीक है। तो ये देखिए 160 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, 3 से 15 को कट करेंगे 5, 500, 6 5 जा 30, 3 5 1 जा 5 प्लस 3 8, तो 800 वर्ड्स। तो इतने वर्ड्स वो 15 मिनट्स के अंदर क्या कर सकता है, टाइप कर सकता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10।